हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आ गई हूँ फिर से आप सबके साथ एक नया सा रेसिपी शेयर करने, जो कि है लॉन्ग बीन की चटनी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। आप इसको लॉन्ग बीन भी बोल सकते हैं या फिर इसको शिम भी बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप जो भी बोलते हो इसको। इसको मैंने छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है और अच्छे से इसको धो लिया है। अब इस चटनी को बनाने के लिए हम लोग गैस पे एक तावा या फिर कढ़ाई को चढ़ा देंगे और इसके ऊपर सब बीन को रख देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसको हम लोग ढक के रख देंगे और इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम लोगों का ये बीन फ्राई हो रहा है, साइड बाय साइड हम लोग छोटे साइज़ का मछली ले लेंगे, जो कि मैंने अच्छे से काट के धो के क्लीन करके रख दिया है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए इसको थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी गैस पे चढ़ा देंगे एक कढ़ाई, उसमें तेल डालकर जब तेल गर्म हो जाए तब ये सब मछली को हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिश को हम लोग तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन का हो जाएगा तब इसको अलग से एक प्लेट में निकाल के इसको साइड करके रख देंगे, ये बाद में काम में आएगा। अभी मैं एक बड़ी साइज़ के प्याज को लेके उसको कट कर लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है। तीखापन आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आपका बीन थोड़ा सा बॉयल हो जाए तभी उसमें हम लोग डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी उसमें फिर से ऐड कर लीजिए और 2 मिनट के लिए इसको फिर से ढक दीजिए। 2 मिनट के बाद ये रेडी हो गया है बॉयल होके, इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ग्राइंडर मिक्सर में हम लोग पीस लेंगे। सब कुछ डाल देंगे इसमें और जो हम लोगों ने फिश भी फ्राई किया था उसको भी हम लोग बीन के साथ ग्राइंडर मिक्सर में डाल देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे बस थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। अगर ज़रूरत हो तो आप ऐड कीजिए। फिर हम लोग इसमें देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसको ढक के पीस लेंगे। अभी हम लोगों का मज़ेदार सा बीन का चटनी रेडी हो गया है। घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसा हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।